जो एक्टिंग करे वो एक्टर होता है, जो एक्टिंग से आपका दिल जीत ले वो स्टार होता है, लेकिन जो स्टार आपका दिल बार बार लगातार हफ्ते दर हफ्ते सालों दर साल जीतता जाए वही असली मायने में एक सुपरस्टार होता है। वेलकम टू सुपर स्टारडम आयुष्मान खुराना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। आज के एपिसोड में रिव्यू करने वाले हैं सुपरस्टार आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला के बारे में। बाला जब मैं देख रहा था तो दो बार के लिए मैंने सोचा क्या ये अमर कौशिक की फिल्म है, ये अमर कौशिक की फिल्म हो ही नहीं सकती, ये तो राजकुमार हिरानी की फिल्म है। यस फ्रेंड्स, राजकुमार हिरानी जी ऐसी फिल्में बनाया करते थे जहां पर इतने इमोशंस इस बेहतरीन तरीके से स्क्रीन प्ले जिसे कहा जाता है प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ स्क्रीन प्ले, उस प्रकार से स्क्रीन प्ले में पिरोया जाता है, उनके डायलॉग्स को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है एज अ प्रॉपर फिल्म। रॉ इमोशंस, रियल कैरेक्टर्स, रियल लाइफ कैरेक्टर्स जो थिएटर में आप और हम यू नो रिलेट कर सके, उनकी प्रॉब्लम्स हमारी प्रॉब्लम्स लगे, एंड जब उन सब चीजों को हम स्क्रीन पर देखते हैं तो उन सब चीजों को मिलाकर जो फिल्में बनती है उनमें से एक फिल्म है बाला। कौन कहेगा कि दो हफ्ते पहले इस बंदे ने एक अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस दिया था इन ड्रीम गर्ल एंड आफ्टर टू मंथ्स बैक ही इज विद अनदर फिल्म कॉल्ड एज बाला। आर्टिकल 15 में उन्होंने दिल जीता, ड्रीम गर्ल में उन्होंने धन कमाया एंड इस फिल्म से वो सुपर स्टारडम का स्टेटस ले जाएंगे। आयुष्मान खुराना इज अ ब्लेसिंग टू बॉलीवुड, राइट फ्रॉम द एमटीवी ऑफिस टू द सुपर स्टारडम। नाउ बाला इज एन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, ये पैसा धन कमाएगी बॉक्स ऑफिस पे एंड डंके की चोट पे कमाएगी। किस तरह से मास एंटरटेनर्स को प्रॉपर कंटेंट के साथ मिक्स कर अच्छे डायलॉग्स, न्यू फ्रेश नरेशन, कहानियां ऐसी जो हमने कभी न सुनी हो उस प्रकार से प्रस्तुत करना, ये कोई आयुष्मान खुराना से सीखे कि इतनी बेहतरीन स्क्रिप्ट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। बाला इज अ रोलर कोस्टर राइड। लेकिन गाइस, बात करें बाला की तो बाला का अगर सबसे बड़ा हीरो कोई होगा तो वो इसका राइटर, इसके डायलॉग एंड स्क्रीन पे इन्हें लिखे है, उसका नाम है नीरेन भट्ट। नीरेन भट्ट इज एन लेजेंडरी बोल सकता हूं गाइस, इतना बेहतरीन फिल्म लिखा है उसने, ऐसे फ्रेश डायलॉग्स पहले कभी नहीं सुने, द एक्सेंट, द डायलेक्ट, द परफॉर्मेंस, एवरीथिंग इज स्टेलर। अपार्ट फ्रॉम नीरेन भट्ट, हाँ आयुष्मान खुराना की तारीफ हम एंड में करेंगे, लेकिन यामी गौतम को काम मिलना चाहिए इंडस्ट्री में। शी इज अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस, दो सीन्स में तो मेरे उठ उठ के ताली मारी उनके लिए, इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। बात करें भूमि पेडनेकर की तो भूमि पेडनेकर इज अ क्रैकअप, उनके जितने भी सीन्स हैं, ऐसे जमाने में कौन सी एक्ट्रेस ये उम्र में बुढ़िया का रोल निभाएगी, काली का आदमी का काली औरत का रोल निभाएगी, लेकिन शी इज डूइंग इट। करण जौहर की शॉर्ट फिल्म में उन्होंने कामवाली का रोल निभाया है, ये एक एक्ट्रेस की पहचान होती है, उन एक्ट्रेसेस में नहीं कि अरे मेरा बॉयफ्रेंड मुझे देख लेगा, वो यहाँ पे कवर कर दो, ये पिंपल हो रहा है इसको कवर कर दो। शी इज रॉ टैलेंट, इसको एक्ट्रेस कहा जाता है। भूमि पेडनेकर इज वन सच हीरोइन। एंड बात करें आयुष्मान खुराना की, इनको म्यूजियम में रखो भाई, इनके स्टारडम की तैयारी करो, इनकी सुपर स्टारडम की तैयारी करो, इसके बाद तो गुलाबो सिताबो आने वाली है जो सब फिल्मों की बाप है, शुभ मंगल सावधान आने वाले। तो गाइस क्या है कहानी बाला की, शॉर्ट में बताऊंगा, बाला कहानी है बाला की। बाला एक सेल्स एग्जीक्यूटिव रहता है जो कि मार्केटिंग में रहता है। अब ये जो एग्जीक्यूटिव रहता है ये सिर्फ मार्केटिंग करता है फेयरनेस क्रीम्स की, और नो सेमिनार्स बुलाना, यू नो जो शादीशुदा लड़कियां नहीं है उनको सेमिनार में बुला के उनको बताना किस तरह से आजकल इंडिया में सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है शादी का, वो है गोरापन। एंड उसके बाद किस तरह से उसकी स्कूल की जो दोस्त है यानी कि काली लड़की भूमि पेडनेकर, वो इस फिल्म में किस तरह से बचपन से उसके यू नो जो उसके काम रहता है उसमें रोड़े लगाती है, वो उसे पसंद भी करती है, लेकिन किस तरह से उसके कारणवश उसकी जिंदगी बिखर जाती है। एंड गाइस उस बिखरने से पहले उसका जो बिखरने का कारण रहता है वो है यामी गौतम। यामी गौतम इज अ टिकटॉक स्टार, टिकटॉक फैंस विल लव दिस फिल्म, टिकटॉक बाद में आऊंगा उस पे मैं, टिकटॉक फैंस विल लव, क्या पब्लिक इसे सर पे चढ़ा देगी टिकटॉक के फैंस इस फिल्म को। एंड यामी गौतम टिकटॉक स्टार रहती है, किस तरह से उनकी मुलाकात होती है, प्यार होती है, एंड किस तरह से शादी के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस आती है, यही इस फिल्म बाला की कहानी है। वेल फ्रेंड्स, बात करें इस फिल्म के डायलॉग्स की तो मेरी बुआ जी थैनोस है, बुआ जी पूछते थैनोस, थैनोस कौन है भैया, बोलते थैनोस अमेरिका का शक्तिमान है। जिस तरह से हम लोग अपने प्यार करने वाले को बाबू अल्लाह बेबी इस तरह से बोलते हैं, यहाँ पे एक वर्ड है जो कि अभी काफी फेमस होने वाला है, उस वर्ड का नाम है बेबीयू। बेबी और बाबू का मिक्सचर बेबीयू। कानपुर का मोस्ट एडिबल बैचलर है हमारा बबुआ, मतलब एलिजिबल नहीं एडिबल बैचलर है। अरे कौन सा सूखा नशा कर ले हो बे, टकीला सॉन्ग, जिस भी बंदे ने उस गाने की कोरियोग्राफी की है, सौरभ शुक्ला
उसके बाद में आएंगे। सौरभ शुक्ला इज फैंटास्टिक, टकीला सॉन्ग इज माइंड ब्लोइंग, एंड गाइस यामी गौतम को अवार्ड मिलना चाहिए, स्पेशली जब वो डायलॉग्स कहती है कि चलो सुहागरात का टिकटॉक बनाते हैं वो वाला, एंड मेरा पति गंजा है, वो सीन में तो ऑडियंस ने ताली बजाई है। यामी गौतम इज गिवन एन अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस इन दैट सीन, उसके लिए उनको बहुत सारे अवार्ड मिले तो बहुत बेहतर होगा। एंड किस तरह से वो कहती है कि मुझे पति को अच्छा दिखना चाहिए, बहुत बड़ा मोनोलॉग है, कम से कम 3-4 मिनट का मोनोलॉग है, वो बहुत ही बेहतरीन सीन है, एक ड्रंक सीन है, जिसने भी उसे लिखा है भाई उसको तो मैं दाद देता हूँ। आयुष्मान खुराना ड्रीम गर्ल में जो था ना, वो नुशा भरोजा का भाई जो एकदम वह ललन टॉप रहता है, उसमें वो बार बार बना है हजाम बनाए वो, एंड जावेद जाफरी, एग्जैक्टली जावेद जाफरी इज फैंटास्टिक, तीनों दारू पी के किस तरह से हाय अमिताभ बच्चन, हाँ अमिताभ बच्चन बन जाते हैं, वो काफी फैंटास्टिक लगा है देखने के लिए। लेकिन गाइज यहाँ पर डायलॉग सच एज किस्मत, हमारी जो किस्मत है वो सुलभ शौचालय है, स्कूल के रियूनियन सीन्स आपको रोने पर मजबूर कर देंगे, ये फिल्म जितना आपको हंसाती है उतना एंड होते होते रुला कर भी चले जाती है। कोर्ट के सीन्स तो लेजेंडरी, आप लोग पागल हो जाओगे, कोर्ट के सीन्स में आयुष्मान खुराना एंड में दिल जीत लेता है, एंड सारा का श्रेय, सारा श्रेय आता है इसके राइटर को। वेल फ्रेंड्स, अगर आप जस्ट इमेजिन करो, दिल धड़कने दो में इस फिल्म का सूत्रधार था आमिर खान, जो कि डॉग बना था फिल्म में, एक कुत्ता एक फिल्म की कहानी आगे बढ़ाता है। मैंने कभी जिंदगी में सोचा था कि एक बाल, यस फ्रेंड्स, एक बाल सूत्रधार बन के इस कहानी को आगे ले जाएगा। विजय राज एज अ सूत्रधार जो बने हैं बाल, ही इज द हाईलाइट ऑफ दिस फिल्म। हमें बाल, मैं हूं सर की खाल, ना हो तो जिंदगी भर मलाल, मैं हूं बाल। शाहरुख खान के फैंस ये फिल्म में फुल एंजॉय करेंगे। आयुष्मान खुराना ने शाहरुख खान की जो स्टारडम है उसको एक अलग लेवल पर लेकर चले गए। किस तरह से शाहरुख खान की दीवानगी 90s में उभर कर आई थी, वो छोटे बच्चे में, आयुष्मान खुराना जब स्कूल का बच्चा रहता है तो किस तरह SRK फैन रहता है, बालों से प्यार करता है, शाहरुख खान के डायलॉग्स बोलता है, किस तरह से स्कूल में काफी फेमस रहता है। छुटपन में यहाँ में भूमि पेटे का जो कैरेक्टर है काली लड़की का, वो काफी अच्छा है। विजय राज की आवाज फैंटास्टिक है, एंड किस तरह से यहाँ पर एक्सेंट दिया गया है इनको सबको, कानपुरिया वो काफी बेहतरीन है, द कानपुरियन एक्सेंट इज फैंटास्टिक। आई थिंक कानपुर क्रिकेट स्टेडियम है वो पीछे बैकड्रॉप पे बनाया गया उनके ऑफिस में, बहुत बेहतरीन है। 2016 का टाइम में विजय राज के डायलॉग्स, क्या एक जमाना था जब शाहरुख खान थे, अब शाहरुख खान से सीधा अनुपम खेर बन गए हो, वो काफी बेहतरीन है गाइज यहाँ पर। लेकिन गाइज यहाँ पर इस फिल्म का म्यूजिक जो एंड में गाना आता है, तुम भी शामाने सान कर ये सारे बादशाह, फैंटास्टिक, पब्लिक बैठ के पूरा का पूरा गाना देखती है, बहुत बेहतरीन है। जो BGM है टकले टकले है, वो जब भी आता है जितने गंजे है थिएटर में उनको काफी ज्यादा यू नो अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। एंड गाइस द गोरी लड़की चाहिए सेमिनार इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। भूमि पेडनेकर का मेकअप थोड़ा खराब है, बोल सकता हूँ इतना जमा नहीं है, लगता है फेल, लेकिन ठीक ठाक है। जो बार्बर है उसका दोस्त, उसने फैंटास्टिक काम है, वो कहता है अरे हम नौवा है, बाल काट सकते हैं, बाल उगा नहीं सकते। जावेद जाफरी अमिताभ बच्चन फैन, एंड अमिताभ बच्चन लुक अलाइक इज एपिक, बहुत ही फ्रेश है। आयुष्मान खुराना को पूरी पिक्चर में समझाता है अरे रजनीकांत सर भी गंजे थे, क्या हो गया उसमें, वो काफी अच्छे लगे सीन्स। लेकिन गाइज यहाँ पर तो फिल्म का हाईलाइट है इसका फर्स्ट हाफ में नुस्खे है, चाहे सर पे गोबर लगाना, प्याज घसना, अंडे फोड़ना, यू नो उल्टा लटक के एक्सरसाइज करना, सारे के सारे सीन्स बहुत मजेदार है। एंड गाइज यहाँ पर आयुष्मान खुराना जो मिमिक्री करते हैं, चाहे वो शाहरुख खान की मिमिक्री हो, अमिताभ बच्चन की हो, लेकिन रणबीर कपूर की मिमिक्री आपको इस फिल्म में करते हुए दिखाई देंगे, बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर जो छोटा भाई है आयुष्मान खुराना का, जिसको रणजी ट्रॉफी में सेलेक्ट होना है, उसने जो कॉमेडी की है आयुष्मान खुराना के साथ, आपको पेट में गुदगुदा देगी। सौरभ शुक्ला एज इज फादर, जो इमोशनल सीन है दोनों के बीच में, जब उनके जीन्स को दोष देता है, वो फैंटास्टिक है। उनकी जो माँ का रोल किया है उन्होंने, बहुत ही बेहतरीन काम किया है। माँ भूमि पेडनेकर की जो मौसी है, जिनकी मूछे हैं, उन्होंने तो लाजवाब काम कर दिया इस फिल्म में। एंड गाइज यामी गौतम नीड्स स्पेशल मेंशन, ये फिल्म को मैं 4 स्टार देने वाला था, लेकिन यामी गौतम की वजह से मैं इस फिल्म को फुल मार्क्स दूंगा। यामी गौतम एज अ टिकटॉक स्टार, जो कि जिसके प्यार में आयुष्मान खुराना पड़ता है, एकदम फुल स्टाइल में फ्लर्ट करता है, नकली बाल लगा के उसको शाहरुख खान की स्टाइल में, यू नो एक बार और जी लो, क्या पता कल हो ना हो, वो सीन्स काफी फैंटास्टिक है। एंड टिकटॉक में किस तरह से वो शाहरुख खान बनता है, किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, बॉबी डियोल बनता है, तेरी अदाओं पे मरता हूँ, वो सब सीन्स आपको इतना हंसाएंगे। जिस तरह से इन दोनों के बीच में रोमांटिक सॉन्ग है, ये सारे सीन्स बाला को एक विनर बना देते हैं। आप ये अभी के अभी
उठो और बाला की टिकट बुक करो। आई गिव बाला 5 on 5 stars। बाला इज एन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। आयुष्मान खुराना इज अ सुपरस्टार। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स ऑफ इंडियन सिनेमा। ये साल एक्टिंग के नाम रहा, चाहे वो मुराद हो रणवीर सिंह या फिर कबीर हो यानी कि शाहिद कपूर, कबीर हो यानी कि ऋतिक रोशन फॉर वॉर, एंड मास्टर जी जो बने हो सुपर 30 में वो वाला हो, या फिर यहाँ पर इस फिल्म में आयुष्मान खुराना फॉर ड्रीम गर्ल एंड बाला हो, ये साल एक्टर्स के नाम रहा है, कंटेंट सिनेमा के नाम रहा है, यही सिनेमा की असली जीत है। एज ऑलवेज स्टे कूल मान।